पहला फोटोशूट कंप्लीट हो गया, अभी चल रहा है सेकंड फोटोशूट। बैठा वो। हे गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आज है विहान का 2 मंथ्स बर्थडे फोटोशूट पार्ट 2, जिसमें हम लोग बार्टेंडर थीम पे फोटोशूट कर रहे हैं विहान का। तो अभी बात करेंगे उसका कॉस्ट्यूम और डेकोरेशन को लेके। तो आज का जो बर्थडे फ़ोटोशूट था उसका, वो था बार्टेंडर बर्थडे फ़ोटोशूट, और जिसके लिए हमने पहले एक वाइट कलर का बेडशीट बिछाया है, उसके ऊपर उसका चेयर डाले, और उसका जो ड्रेसेस है, एक हाउस कोट, एक कैप और एक छोटा सा क्यूट सा सैंडल्स उसके साथ। ये जो पैसा है ना, वो रियल था, उसमें हम लोग 10,000 कैश डाले थे। ये कॉस्ट्यूम हम लोग बाहर से मंगवाए, ऑब्वियसली ख़रीदे नहीं, क्योंकि हर मंथ हमारा फ़ोटोशूट होता है, तो हर मंथ डिफरेंट डिफरेंट थीम का फ़ोटोशूट का जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग नहीं खरीदते। अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो ख़रीदना ही पड़ता है, बट ये कॉस्ट्यूम हमने नहीं ख़रीदा। तो कुछ कुछ चीज़ हम लोग खुद से बाज़ार से ख़रीदे, और हमारे पास था क्योंकि हम दोनों ही बारटेंडर है, तो बारटेंडर का सारा सामान हमारे पास है, जिसका जिगर, स्ट्रेनर, ये सब हमारे पास था। और बाकी कुछ कुछ चीज़ हम लोग बाहर से ले, जैसे वो उसका चेयर है, उसका ड्रेसेस है, वो हम लोग बाहर से रेंट पे लेके आए थे। तो ऐसा होता है बिहान का फ़ोटोशूट। और देखो, सैंडल भी बार बार खुल जा रहे थे, और इधर ना बिहान का पापा केक भी लेके आए थे। ये फ़ोटोशूट तो चल रहा था, बीच में हमें याद आया कि केक नहीं लगाया, तो हम लोग फिर से केक भी लेके आए, और पैसा भी चाहते थे। उसका एक ऐसा शॉट था जिसमें चाहते थे एक हाथ में वो पैसा पकड़े और एक हाथ में दारू का बॉटल पकड़े। और देखो ये ना परफेक्ट टाइम था, बच्चों का फ़ोटोशूट में ना बहुत ट्रिकी होता है, वो सो जाता है, फेंक देता है, ये सब होते रहते हैं कॉमन बात। परफेक्ट हुआ, एग्जैक्ट परफेक्ट। और ये था उसका ड्रेस जो हम लोग मंगाए थे, ये था चेयर एक, उसके साथ ये था एक हाउस कोट ड्रेस, और ये जो है आ रहा है एक टोपी इसको सर पे पहनने के लिए, और हम लोग मंगाए थे क्यूट सा पेयर ऑफ सैंडल, जो कि ये सेटअप फुल एक कंप्लीट सेटअप था। और सब कुछ पहनाने के बाद बहन कुछ ऐसा लग रहा था, और वो एंजॉय कर रहा था। मोस्टली बच्चे लोग रोता है, बट ये जो 10 मिनट का वीडियो मैंने एडिट किया है, मैं जो दिखा रही हूँ, इसमें उतना नहीं रोया, बीच बीच में थोड़ा उसको भूख लगा तो हम लोग दूध पिला दिए। तो हमारा जो फ़ोटोशूट के टाइम जो काम होता है ना, हम दोनों में डिवाइड कर लेते हैं, जो डेकोरेशन और सेटअप का डिपार्टमेंट बबन का रहता है, और बाकी जो अरेंजमेंट करने का डिपार्टमेंट है वो मेरा रहता है। मैं सब कुछ अरेंज कर देती हूँ और सेटअप बबन कर लेते हैं। तो बच्चों का फ़ोटोशूट करना ना काफ़ी ट्रिकी होता है, बट समहाउ बिहान जब फर्स्ट मंथ बर्थडे फ़ोटोशूट किया था ना, उस टाइम से वो कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा नहीं रोता है, इतना ज़्यादा टेंट्रम्स नहीं थ्रो करता है, तो इसीलिए अभी तक ना हम लोग अच्छे से उसका फ़ोटोशूट कर रहे हैं एवरी मंथ। कभी कभी मंथ्स में 2 बार भी हो जाता है फ़ोटोशूट, कभी कभी 3 टाइम्स भी हो जाता है। नॉर्मल फ़ोटोशूट तो हम लोग घर पे करते हैं, बट ये था स्पेशल फ़ोटोशूट जब हम लोग उसका 25 जुलाई बर्थडे के दिन ही करते। तो जब से बहन का फ़ोटोशूट करना चालू किया ना, तो सबका एक ही क्वेश्चन रहते है, कैसे तुम लोग कर लेते हो? हाँ भाई, इसके लिए बहुत मेहनत लगते है, पूरा दिन चला जाता है एक एक सेटअप ठीक करने के लिए, सब कुछ अरेंज करना, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस काम करते हैं वो तो अलग ही है। और देखो अभी पवन ऑलरेडी रेडी हो गए, पवन अभी चले जाएंगे ऑफिस, तो पूरा दिन थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है जिस दिन फ़ोटोशूट रहता है। एक्स्ट्रा घर का काम, बच्चों का टेक केयर, उसके साथ फ़ोटोशूट बोले तो फुल हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है हमारा। बट एनीवे, रिजल्ट जो आता है उसको देख के ना तकलीफ़ मालूम नहीं पड़ता है। बहुत सारा फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स भी हमें ना कमेंट करते और पूछते कॉल करके, कैसे तुम लोग कर लेते हो और वो कैसे इतना अच्छे से रह लेते हैं। तो यस, रह लेता है वो बाय गॉड ग्रेस। और जब फ़ोटोशूट होता है हम लोग कोशिश करते हैं बहुत अच्छा अच्छा मोमेंट का फ़ोटो कैप्चर करें, ताकि बड़े होने के बाद उसका सब मेमोरी रहे, और रील्स भी बना लेते हैं। तो अभी करेंगे हम लोग बर्थडे केक कटिंग बहन का, और बबन करण लेट हो जा रहा था ऑफिस के लिए, और देखो ये भाई साहब फ़ोटोशूट करते करते सो गया। तो विहान का बिहाफ में उसका मम्मी पापा उसका केक काट लेगा, इतना क्यूट सा केक लेके आए पापा ने, और इसमें लिखा है आई एम 2 मंथ्स, और बहुत क्यूट है और बहुत टेस्टी भी था ये केक। तो हँसी वसु करें बाबू, तो हँसी वसु कच्ची, तो हँसी वसु कच्ची मैं सुना था। ठीक है, आपको आपको काटना है? मुझे काटना है। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, इस टाइमिंग शो ही रही। मोबाइल में कर दो ना, गोप्रो में। अच्छा
गोपड़ो ये 4K में शूट हो रहा है। हमारा दूध तक हमारा दूध था देखो केक काटे हमें केक काटे बाबू ते केक काटे ते हैप्पी बर्थडे करी ते हैप्पी बर्थडे ते हैप्पी बर्थडे कर तुम लाइटर रखो हैप्पी बर्थडे बाबू देखो देखो पकड़ो हैप्पी बर्थडे टू यू पपमन तुम पकड़ो लो हैप्पी बर्थडे ও লে বাবা লে এটা তো বার্থডে কে কাটা হচ্ছে তো অন্য কিছু হচ্ছে লগ গে কপড়ো মে লো তোর কেক খাই দিও কেক কেক খাই দিও টিকে না কপড়ো কেক খাও হ্যাপি বার্থডে थैंक यू बोल दो हां बाय 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 अरे बो सी यू सी यू सी यू बाय स्कूटी का चाबी दो ना हां तुम्हारा बाय बोलछे स्कूटी का चाबी दो ना स्कूटी का चाबी तुम तो स्कूटी लेके गया था स्कूटी में नहीं तो लगे चलो बाद में होटल का मैं लेके चलो आ जाओ हां तुम लोग कभी लंच में आ जाओ ये तो छोड़ दो देखो नाई नाई कर भी अखन हमेशा तो नाई नाई कर भी नाई नाई हम तेल तेल भी लगी तो पापा खा लेना जाके पापा खा लो जाके बाबू बाय क्या है नाक में तुम्हारा पापा बाय फाइनली हुआ फोटोशूट कंप्लीट अभी करेंगे नाई नाई बाप रे बाप दो आउटफिट का शूटिंग करने के लिए लग गया पूरा आज वेदर काफ़ी अच्छा है देखो A1 वेदर है बैंगलोर ना इसीलिए अच्छा लगता है कि बिकॉज ऑफ द वेदर इट्स अमेजिंग बाबू चलो हम लोग तेल लगा के नहीं नहीं करेंगे नहीं नहीं करे मम्मा का गार्डन देखो मम्मा का गार्डन देखो मम्मा का गार्डन में कितना अच्छा अच्छा फूल है कितना अच्छा अच्छा फूल है देखो हमारा मेंट का पेड़ ये देखो लेमन ग्रास भी है पापा चले जाएगा पापा चला जाएगा अभी चलो हो अभी बज रहे शाम को 5:30 अभी हम लोग करेंगे लंच क्योंकि फोटोशूट के बाद वियन को नहाया ऑयल मसाज हुआ सारा कुछ होने के बाद अभी हमें टाइम नहीं मिला तब तक वियन थोड़ा साथ दिया था हमारा अभी करेंगे लंच ये जी देखो इतना वियन बाबा तक देखो तो इतना मतलब वियन बाबा তো বিহান বাবা বাবা দেখো তো দেখো আমাদের আদর আদর আমাদের আমাদের তো আদর শুধু আদর আমরা আদর করি করেঙ্গে লাঞ্চ আজ পিওর বেঙ্গলি লাঞ্চ মছলি আর পকোড়া আমি করেঙ্গে লাঞ্চ বাট লাঞ্চ করতে গেলে না বেবি কো লেকে করতে পড়তা হ্যায় तो कुछ ऐसा होता है हमारा फ़ोटोशूट डे में हम लोग फुल बिज़ी रहते हैं और फुल टायर्ड भी हो जाते हैं तो अभी ना बेहन सो रहा है तो मैंने भी उसके साथ थोड़ा सो गया क्योंकि बाद में उठ के काम भी रहता है और देखो कितना अच्छे से सो रहा है और तो उसको छूना भी पसंद नहीं है सोने के टाइम पर ना उसको छूना कतई पसंद नहीं है और छूने से उसको उठ जाना नहीं तो उठ के रोना चालू कर देगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फोटोशूट डे अगर आपको अच्छा लगे तो हम बता सकते कि कैसा लगा कमेंट करके और नया कुछ फ़ोटोशूट का आइडिया अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें हम लोग कोशिश करेंगे उस थीम पे वियन का फ़ोटोशूट करें और आगे ऐसा बहुत सारा वीडियो आने वाला है वियन का फ़ोटोशूट रिलेटेड और कैसे कैसे वियन ग्रो हो रहा है तो और एक इन्फॉर्मेशन बता देते हो अभी बैंगलोर में ना ऐसा फ़ोटोशूट करने के लिए पर फोटोशूट दे आर चार्जिंग लाइक 10 to 12,000 तो बेबी फोटोशूट रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं एनीवेज का वीडियो को मैं इधर एंड करते हूँ मिलेंगे तब तक बाय बाय टेक केयर नमस्कार